कीवी को हमने खिलाना है खाना, और ये खाना खाती है सिर्फ टीवी देखते हुए। बहुत सही है यार। हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। एक तो यार समझ नहीं आता मैं कैमरे में कौन सा बैकग्राउंड लो रूम का, हमने चारों तरफ है मैसअप सा कर रखा होता है। तो आज है संडे और बहुत दिनों बाद आज मैं करने वाला हूँ संडे राइड, और रैंडम सी राइड है। और रैंडम सी राइड मेरी मैक्सिमम घर के लिए रहती है, लेकिन जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है ना मार्च से, तो तब से तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी। अभी जो है रूम का टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री है, तो देखते हैं, आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा कि विंटर्स में कैसा रहता है। अभी कोई एक्सट्रीम विंटर्स तो नहीं है ना, लेकिन अभी चल रहा है अक्टूबर, 30th अक्टूबर आज, मतलब नवंबर स्टार्ट हो गया। तो जब एक्सट्रीम विंटर्स भी होंगी ना, तो आपको वो विंटर साइड ऑफ हिमाचल भी दिखाऊंगा। तो कैसे पूरा राइड का पूरा रहता है, कैसे राइड करनी पड़ती है इन कंडीशंस में, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आज जो मैं राइड स्टार्ट करूंगा, वो करूंगा 2 बजे। अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और अभी कुछ काम है, और ये आप देख रहे हैं मैं अभी अपने राइडिंग जैकेट वगैरह में भी नहीं हूँ। तो जल्दी से काम फिनिश करेंगे, मैंने कहा एटलीस्ट इंट्रो तो शूट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाऊंगा मैं। तो सुबह का टास्क, सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी करना। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। अभी मैंने जस्ट फ्राई करनी है सब्जी देसी घी में, और देसी घी की जो खुशबू है ना यार, ऑसम, मतलब सबसे अच्छी फीलिंग। अगर कोई मैं पूछे ना कि सबसे फेवरेट चीज़ क्या आपके, तो मैं बोलूँगा गाय का देसी घी। मतलब बोरिंग सी चीज़ में भी आप एक चम्मच डालोगे ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। आप भी बताना आपको अच्छा लगता है देसी घी। अभी पता क्या हुआ, मेरे हिसाब से मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा है पिछले 2 घंटे से, लेकिन ऐसा नहीं था, आज मेरे साथ प्रैंक हो जाता है। इसकी बैटरी सिर्फ 10% थी। तो ब्रेकफास्ट अपना डन हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट करके नींद आती है ना यार, लेकिन काम करना पड़ेगा। और रूम के ब्लॉक को यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे सीधा बाइक। हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय वीडियो, जो कि है मोटो व्लॉग पार्ट। और 1 बजे मेरा काम ख़त्म हो चुका था, उसके बाद अभी जो हूँ मेरे को 50 किलोमीटर राइड करते हुए हो गया है। और आज ना मतलब अभी ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा ठंड हो गई है, मतलब इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी राइड है ना वो धूप में हो जाए तो ठीक है। एक्चुअली जो मेरे राइडिंग जैकेट की विंटर लाइनर है वो तो मेरे पास है, लेकिन जो लोअर वाली विंटर लाइनर है ना वो है मेरी घर पे। तो अगर अभी अंधेरा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, और अभी मैं फ़िलहाल एडवेंचर वाले मूड में नहीं हूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी कि यार देख लेंगे जो भी होगा, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, तो वैसे उस मूड में थोड़ा मैं नहीं हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ ऐसा कि अंधेरा होने से पहले पहले घर पहुँच जाऊँ। बाकी ये है पठानकोट मंडी हाईवे, और यहाँ पे 4 लेन का काम स्टार्ट हो गया। देखो तो सबसे पहले जो 4 लेन के ब्रिजेस है ना, ये वो कंप्लीट कर रहे हैं, जितने भी 4 लेन में ब्रिज आने हैं तो सबसे पहले ये ब्रिज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है सड़कों को वाइड करेंगे। तो ये देखो ब्रिज के साथ वाली जो पहाड़ी पहाड़ियाँ वो भी सारी इन्होंने खोद दी हैं। और ये ग्लव जो पहना ना मैंने, अभी ठंड नहीं है इतनी, ये सिर्फ मैंने इसीलिए पहना है, ये देखो सामने धूल देखो आप, ताकि मैं गोप्रो का लेंस साफ कर सकूं बार बार, और जो वीडियो हैं वो साफ़ आए। और ये वाला जो सड़क है ना, आने वाले 1-1.5-2 साल तक तो ऐसी ही रहने वाली है, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद तो फिर जितनी स्पीड से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उससे डबल स्पीड हो जाएगी। ओहो ये ही टूटा टेढ़ा शायद, नहीं नहीं ये ठीक। कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, बस स्लीप ही किया था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, थैंक यू। ओहो और बाइक क्रैश, ओह शुक्र है कुछ भी हुआ नहीं।
हो गया ना, वहाँ पे थी कच्ची मिट्टी और वो स्कीट ऐसे फिर संभल नहीं पाई और पंकज ठाकुर बाइक से गिर गए। तो अब ध्यान से चलना पड़ेगा यार। अच्छा मिरर भी टेढ़ा हुआ था, ये देखो, ये तो मैंने देखा ही नहीं। शुगर है टूटा नहीं कुछ भी। अब यहाँ रोका लोगों को जेसीबी की खुदाई देखने के लिए। चलो जी चलो भागो जल्दी, रास्ता खुल गया। अरे रुक जाओ जेसीबी वाले अंकल। बहुत दिनों से ना मैं सोच भी रहा था कि मैं बाइक से गिरा नहीं और आज गिर भी गया। चलो चलता रहता है टूर पे इतना तो। पहले मेरे को था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा, पर अब नहीं। अब ये है कि सिर्फ घर पहुंचना है, शायद एक दो घंटे लेट पहुंच जाऊं। आज मेरी राइड का फालूदा हो गया, बाइक क्रैश हो गई थी ना, तो हर दिन की थीम होनी चाहिए ना, तो आज पियेंगे हम फालूदा ही। तो कहीं फालूदे वाला मिलेगा ना तो पक्का रोके फालूदा पीना है। फालूदा है कितने का गिलास दे दो। एक बन गया भैया, थैंक यू। बहुत सही है, पी लेते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे पूरा ख़राब हो गया, वो कीचड़ से लग गया और तो कुछ नहीं हुआ है। बाद में जाके देखेंगे अब क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ ही सड़कें ऐसी हैं जो इतने दूर दूर तक नज़र आते हैं, वरना तो सारी सड़कें ऐसी हैं यहाँ पे मोड़ वहाँ पे मोड़। वो सामने आपको ब्रिज देख रहे दिख रहा है ये वाला, ये ना मतलब अभी मैं हिमाचल में हूँ और ये जब मैं ब्रिज क्रॉस करके जाऊँगा ना तो सामने जो आपको एरिया दिख रहा है वो पहाड़ दिख रहे हैं, वो है पंजाब के। तो यहाँ पे यही चलता रहता है यार हिमाचल पंजाब। ये जो पुल मैं आपको दूर से दिखा रहा था इसका क्लोज व्यू देखो एक बार, बड़ा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी मैं क्रॉस करके जा रहा हूँ पंजाब में और ये साइड में चक्की, ये है चक्की रिवर। ये देखो यहाँ पे लिखा है सीमा समाप्त। यहाँ देखो गाड़ियाँ कैसे क्रॉस करती हैं। अभी तो फिर भी ठीक कर दिया, पहले यहाँ बहुत बुरी हालत थी। मैं अभी आराम आराम से क्रॉस करता हूँ, ये ना हो थोड़ी देर बाद रायता खाना पड़े रात को जाके। अभी ना थोड़ा खुद को फ्रेश कर लेते हैं तो कहीं पे पहले रुक के चाय पीता हूँ यार, उसके बाद चलेंगे आगे। अंधेरा तो आज वैसे भी होने वाला है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, तो फिर आराम से इंजॉय करते हुए चलते हैं, क्यों जाना है ऐसे जल्दी जल्दी। तो कहीं देखेंगे पहले बढ़िया सा ढाबा, फिर वहाँ पियेंगे चाय और देखते हैं साथ में कुछ खा भी लेंगे। अभी मैं रुक गया हूँ खाने के लिए, मैंने ऑर्डर किया चाय और साथ में मैगी और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ भी नज़र आ रही छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ। तो अभी जल्दी से खाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, तो उसके बाद चलते हैं आगे की राइड। 50 किलोमीटर तक ही बची यार, 50-60 किलोमीटर तक तो हो जाएगी आराम से ईजली। अपनी मील आ चुकी है, दिखा देता हूँ आपको, मेरी चाय मेरी मैगी, अभी जल्दी से खाएंगे ना और फिनिश करते हैं इसको। उसके बाद हो सकता है मैं आपसे मिलूँ सीधा घर जाके, या फिर रास्ते में अगर कुछ होगा तो, क्योंकि बाकी जो व्लॉग है इस रास्ते का वो आप पहले देख चुके हो, ऊपर आई बटन पे मैं डाल दूंगा लिंक, आप देख लेना। और बाकी अगर कुछ हुआ दिखाने वाला तो वो दिखाऊँगा आपको। काफ़ी सही बनी है बट स्पाइसी है। फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं घर और कीवी मेरा वेट कर रही थी, कीवी भी आज ही आई है। अभी तक ये सो जाते थे लेकिन अभी सो ही नहीं है, आज इसको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा ना, आज ही नानी घर पे आई है।
तो अभी देखते हैं क्या क्या नया सीख के आइए इतने दिन में। अभी नेक्स्ट मंथ इसका बर्थडे है तो ये एक साल की हो जाएगी। कि भी वहाँ देखो, उधर देखो, उधर कैमरे पे इसका ध्यान पीछे जाता है, जहाँ पे कुछ भी रखा हो ना, खिलौने वगैरह, बस शरारती करने के लिए। कुछ हाँ सीखा आपने, कुछ बोलना सीखा, सीखा आपने बोलना कुछ। अभी कीवी के साथ खेलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कीवी को हमने खिलाना है खाना, और ये खाना खाती है सिर्फ टीवी देखते हुए। और ये इसका ड्रेस पहना दी, मेरे को भी साइड कर दिया भाई, टीवी लगा दो, जल्दी से लगाओ टीवी। तो डर गई वो इतनी जोर का, कम करो आज यार, लग गया। ये देखो कीवी के कितने क्यूट शूज हैं, बट एक ही है। कीवी कहाँ गया आपका दूसरा शूज, कहाँ गया शूज आपका, हैं कहाँ गया शूज आपका, भाग गए कहाँ गया। ओए तेरी क्या भांगड़ा डाल रही है, तो की भी लगी अभी खाना खाने। मैं भी अभी खाना खाता हूँ, आराम से आज रेस्ट करेंगे। तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टूर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।